महाराष्ट्र में सबसे कम वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले रविंद्र वायकर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वायकर ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से जीत हासिल की थी। वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़े होने की कथित आरोपों को लेकर जुबानी जंग जारी है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए हमला बोला। संजय निरुपम ने कहा, जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से हमारे पार्टी के चुने उम्मीदवार रविंद्र वायकर के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से तमाम अफवाहें फैलाई जा रही है। जब से 48 वोट से वो हारे हैं तब से वो अफवाह फैला रहे हैं। उन्हें रिकाउंटिंग का मौका भी दो बार दिया गया, फिर भी आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले रविंद्र वायकर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वायकर ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से जीत हासिल की थी। वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़े होने की कथित आरोपों को लेकर जुबानी जंग जारी है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए हमला बोला। संजय निरुपम ने कहा, जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से हमारे पार्टी के चुने उम्मीदवार रविंद्र वायकर के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से तमाम अफवाहें फैलाई जा रही है। जब से 48 वोट से वो हारे हैं तब से वो अफवाह फैला रहे हैं। उन्हें रिकाउंटिंग का मौका भी दो बार दिया गया, फिर भी आरोप लगा रहे हैं।